खामोशिया बेचैनिया नादानिया। नंदू, माँ भी क्या चीज होती है। ये माँ नहीं है, गौरी की दादी है। ये भी क्या चीज है यार, कसम से। अरे मैं गौरी की माँ की बात नहीं कर रही हूँ, अपनी माँ की बात कर रही हूँ। तेरी माँ की? फोटो साफ कर रही हो? आंसू साफ कर रही हूँ। मम्मी फोटो में रो रही है क्या? अरे मैं रो रही हूँ। तुम फोटो में क्यों रो रही हो? तो मैं फोटो में नहीं, असल में रो रही हूँ, क्योंकि मुझे मेरी मम्मी की याद आ रही है। यार लेकिन तुम्हारी मम्मी तो जिंदा है ना। तो क्या हुआ, जिंदा लोगों की याद नहीं आ सकती? मुझे ना पप्पू की बहुत याद आ रही है। तुम्हें पप्पू की याद क्यों आ रही है? जिंदा है ना। सोच रही इस बार कोई अच्छा सा प्रेजेंट दूं। इस बार ना प्रेजेंट में मुझे लैपटॉप दे दो तुम। अरे मैं तुम्हें गिफ्ट देने की बात नहीं कर रही हूँ। तो? अपनी मम्मी को गिफ्ट देने की बात है। तुम्हारी मम्मी का बर्थडे है? नहीं नहीं, मदर्स डे आ रहा है ना। ये मदर्स डे है कौन और क्यों आ रहा है मेरा लैपटॉप लेने? माओ का दिन है। माओ? चाइनीज? उसे ना एक छोटी सी चाइनीज अंगूठी दे दो बस। अरे मैं अपनी माँ को छोटी सी चाइनीज रिंग क्यों दूँ? मैं तो अपनी माँ को बड़ा सा गिफ्ट दूंगी। ट्रक का टायर दे दो। क्या? इससे बड़ी क्या चीज हो सकती यार? शर्म नहीं आती ना? नहीं आती ना शर्म तुम्हें? अकेले अकेले खा रही हूँ। अकेले केले खा रहा हूँ मैं तो। मम्मी आपने मेरी शादी इस आदमी से क्यों करवाई? क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि तुम्हारी जिंदगी भी इनकी तरह से बर्बाद हो जाए। चांदनी, शादी के बाद तुम भी कभी कभी मेरे साथ प्राउड फील करती होगी ना। ये कौन है? बिना वॉल्यूम का टीवी देखने से ना घर में कभी कभी ऐसे सीन हो जाते हैं। चचा भगवान, क्या हो गया इस पेड़ को? इसे पकड़ के क्यों रो रहे हो? अरे पेड़ को नहीं, माँ को हो गया। माँ को? क्या हो गया तुम्हारी माँ को? ऊपर चली गई है। ऊपर? लेकिन ये तो क्रिसमस का पेड़ है ना, इस पे नारियल नहीं मिलेंगे। अरे पेड़ पर नहीं, वो सबसे ऊपर चली गई है, मर गई है। ओ अच्छा। अरे तो फिर आप हमारे लॉन में आके हमारे पेड़ पर क्यों रो रहे हो? अपने लॉन में जाके अपने पेड़ पर रो ना अंकल। बेटा मेरे लॉन में कोई पेड़ नहीं है। ये क्या है? ये मैं अपनी माँ के लिए लाया हूँ, एक गिफ्ट है, वीडियो गेम। वीडियो गेम? हाँ। हमारी माँ वीडियो गेम खेलती थी जब इतनी सी छोटी थी, तो बड़े शौक से खेलती थी वीडियो गेम। भगवान से डरो अंकल, भगवान से डरो। तुम्हारी माँ के जमाने में रेलवे स्टेशन नहीं होता, ये प्ले स्टेशन कहाँ से आएगा? अरे भाई दुकान से आया। बहुत महंगा लगता है। हाँ पूरे 150 रुपए का आया है। 150 रुपए का प्लेयर स्टेशन? अंकल एक काम करो, ये प्लेयर स्टेशन ना आप मुझे 300 में बेच दो। जी नहीं, ये मेरी माँ के लिए है। अच्छा ठीक है, दिखा तो दो कम से कम। कैसे दिखाऊं, मेरी माँ तो मर गई है। अरे मैं माँ की बात नहीं कर रहा भगवान अंकल, ये प्लेयर स्टेशन दिखा दो ना एक बार। नहीं नहीं नहीं, ये मेरी माँ के लिए। अंकल प्लीज दिखा दो। मैं नहीं दिखाऊंगा। प्लीज जी नहीं, नहीं दिखाऊंगे। अरे क्या कर रहे हो तुम? अरे है? इसमें तो कुछ भी नहीं है अंकल। अरे मेरी माँ भी तो नहीं है, मम्मी जी। मम्मी जी। भगवान करे ये पेड़ आज आपके ऊपर गिर ही जाए। मम्मी जी। हाय, तुमने फिर मेरी माँ समान भाभी पे हाथ उठाया? हाथ? बस भाई बस, अब कोई बहाना बनाने की कोशिश मत करना। कितने टॉर्चर करोगी इस बेचारी इनोसेंट लेडी पर? कोई बात नहीं है पप्पू, सुबह से ना मुझे मेरी मम्मी की याद आ रही है। अच्छा भाई 100 रुपए दो ना। उसे मांग ले, उसे मम्मी की याद आ रही है। भाई तुम्हारे पास 100 रुपए भी नहीं है क्या? नहीं है। इधर देखिए। किधर देखूं? भाई कहाँ से आवाज आ रही है? यहाँ से। बिल्कुल है, आप अपनी माँ को मिस कर रहे हैं ना? हाँ। नंदू इसे कैसे पता? भाई ये तो सच में आइटम है। चुक्का चिचोरे। रियली? हाँ तो मैं कह रही थी कि अगर आप 1,00,000 रुपए जीतना चाहते हैं तो आपको हमारे सिर्फ 3 आसान से सवालों का जवाब देना पड़ेगा। 1,00,000 रुपए? उसे एक ग्लास पानी लेके ना। हाँ भाई।
अच्छा बच्चू, मैं चला जाऊं पानी लेने और तुम 1,00,000 रुपए जीत जाओ? नहीं जाऊंगा। अरे पूरी बात तो सुन लो, हम आपके घर मदर्स डे पर आएंगे और आपकी माँ से करेंगे कुछ बातें आपके बारे में, और अगर आप सबसे अच्छे बेटे निकले तो आपको मिलेगा न्यूयॉर्क का रिटर्न टिकट। टिकट टिकट टिकट। सच? बिल्कुल सच। और आप भी इस प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं, तो फिर फोन उठाइए और नंबर मिलाइए और 3 आसान से सवालों का जवाब दीजिए। नंबर तो बताइए। रुक जा, बताती हूँ। तो फिर हमारा नंबर नोट कीजिए, 000230, फिर 000230। मेरे तो लगा दे। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ पप्पू, पुष्कर वर्मा। ओके पप्पू, तो आप 3 सवालों का जवाब दीजिए। आपका पहला सवाल है, माँ के पैरों के नीचे क्या होता है, सैंडल, स्लीपर या कि स्वर्ग? स्लीपर। यस, बिल्कुल सही कहा आपने, स्वर्ग। आपका दूसरा सवाल, माँ की दुआ किसकी हवा, पंखे की, एसी की या फिर स्वर्ग की? ये वो था, ये था, पंखा, पंखा, पंखा। यार थोड़ा तो स्टैंडर्ड बढ़ाओ अपना यार, माँ का सवाल है, एसी। हाँ, एसी की। बिल्कुल सही जवाब, स्वर्ग की। देखा, सही जवाब बिल्कुल। तो कल हम आ रहे हैं आपके घर मदर्स डे मनाने, खाना तैयार रखिएगा और मैं खाने के बाद खीर तो जरूर खाऊंगी। नंदिया, नंदू, लेकिन आपने तीसरा सवाल तो पूछा ही नहीं। 3 सवाल मैंने पूछ तो लिए। कैसे? पहला सवाल तो फोन उठाते ही मैंने पूछा था कि आप कौन बोल रहे हैं। अच्छा हाँ, मैं तो भूल ही गया था। अच्छा अच्छा, बस कर, अब ज्यादा चिपकने की जरूरत नहीं है, टीवी बंद कर। भाई सोचो, न्यूयॉर्क का टिकट 1,00,000 रुपए। हाँ लेकिन माँ कहाँ से लाएगा? मम्मी, अपनी मम्मी को बुला लेते ना। हमारी मम्मी टीवी में नहीं आती है। टैक्सी में लेकर आऊंगा ना। नहीं, और नहीं का इंग्लिश होता है NAHI। भाई सुन तो मेरी बात। भाई अभी आप अपनी मम्मी से बात कीजिए ना। पप्पू सुबह मैंने बात की थी अपनी मम्मी से। नहीं वो वाली बात नहीं, भाभी आप उनसे बात कीजिए ना टीवी पे आने के लिए। पप्पू मेरी मम्मी टीवी पर नहीं आएंगी। क्यों, बहुत मोटी है क्या? ओ जस्ट शट अप पप्पू। मम्मी, भाभी, भाभी, थैंक यू भाभी। इस जालिम दुनिया में कोई है जो मेरी मदद कर दे? अरे भाई एक छोटी सी माँ का सवाल है मेरे भाई, कोई तो आओ इस गरीब की मदद करने। खुद ही ढूंढना पड़ेगा। खामोशियां बेचैनियां नादानियां।